शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जोर पकड़ा गया, बुरा हुआ। ये असला बिना किसी शोर शराबे के हम तक पहुंच जाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं। बाकी सामान की खरीद फरोख्त कल से शुरू हो जाएगी और आपका बेस में पहुंचने का इंतजाम हो चुका है। शाबाश। तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था, सोचा थोड़ा झगड़ा भी हो जाए। देखो बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। जिंदगी में पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला है जिसे देखकर फ्लर्ट करने में मेहनत करनी पड़ी, और हुआ क्या, न नाम न नंबर न पता, चीटिंग है बॉस। आप? You again? मेरा मतलब आप? I don't believe this. Sorry sir. आप यहाँ? क्यों? मैं हर सोमवार को यहाँ आती हूँ, मगर आप? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि आप मंदिर टाइप लगती नहीं। मंदिर टाइप? वो कैसा होता है, आपकी जैसा? भगवान यार, कहा सुना माफ करना। हाँ, वो क्या है ना कि आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है ना मुझे। क्या कहा आपने? जी वो कुछ नहीं, वो क्या है कि भगवान के साथ मेरे ताल्लुकात जरा दोस्ताना है, हमारा आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए आते जाते यहाँ चला आता हूँ, इन्हें भी अच्छा लगता है। मैं ही आपकी बात आई थी, यानी आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कमाल का इत्तेफाक हुआ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस इत्तेफाक को डेस्टिनी कह सकता हूँ। आप और आपकी डेस्टिनी। जाने कहाँ लेके जाएगी मैं, लेकिन फिलहाल तो दोबारा आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है, शायद इसलिए कि आपको आपकी बात याद दिला दूं कि अगर सुरभिधर नाइस नेम, सिद्धार्थ सिंह 2375 वन सेकंड 2375 313 मैं जब यहाँ आया था तो तेज धूप थी, आपके आते ही मौसम सुहाना हो गया है। एनीवे थैंक्स। वेलकम कहना चाहिए या नहीं पता नहीं। हमारे फ्रूट ऑर्चिड्स हैं और एक्सपोर्ट्स भी। वैसे आप क्या करते हैं? जी मैं तो वो ब्लडी पायलट्स। जी ये लो फ्लाइंग प्लेन्स बड़ी सिरदर्दी है। मेरे डैड भी एयरफोर्स पायलट थे, बट आई एम सॉरी, मुझे ये प्लेन्स और पायलट्स कुछ खास पसंद नहीं है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से साफ है कि पाकिस्तान हमले की तैयारी में है और इसकी शुरुआत वो हवाई हमले से करेगा। हवाई हमला शाम या रात को होगा ताकि विजिबिलिटी लिमिटेड रहे। और इस सूरत में हम जवाबी कार्रवाई के लिए कितनी देर में तैयार हो सकते हैं? एक्स ए चीफ अर्जुन सिंह के शब्दों में, विद इन द आवर, एक घंटे में सर। हेलो। ओ हाय, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। ओ हाय, क्या हाल है आपके? ये आपके बाप के बहुत फॉर्मल लगता है, हम सीधा तू तड़क में नहीं उतर सकते। यू आर अ फनी मैन। तो आपको कुछ और हंसाने के लिए आज संडे को मुलाकात हो सकती है? सॉरी, आज तो मैं बाहर जा रही हूँ, कल परसों कभी। करके गए हमसे वो वादा पांचवें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया चार दिन की है। स्टॉप इट नाउ। एनीवे कल बात करते हैं। कल किसने देखा है, आज ही आ जाता हूँ डायरेक्ट, जैसी आप फ्री होती हैं मिलके बात बात करते हैं। यू आर इम्पॉसिबल, सी यू लेटर, बाय। स्वीट गर्ल सिद्धार्थ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम श्रीनगर में रहते कहाँ हो? मैं कहाँ रहता हूँ, वो उधर ही एयरपोर्ट में, मेरा मतलब है एयरपोर्ट के पास। चिकारे में चले? आज नहीं, नेक्स्ट टाइम। तुमने अभी तक मुझे अपना फोन नंबर नहीं बताया।
हाँ, मैंने तुम्हें अपना फोन नंबर नहीं बताया। एक्चुअली क्या है कि हमारे वहाँ के सारे नंबर बदल रहे हैं। एक आध दिन में नया नंबर आ जाएगा, मैं दे दूंगा। वो छोड़ो, ये बताओ, तुम अपने फादर के बिजनेस में काफी मदद करती होगी ना? अभी तो शुरू किया है, इसी साल पढ़ाई खत्म हुई है। और लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम क्या करते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वन सेकंड। 15 अगस्त के बाद अचानक इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। आते जाते किसी का पांव पड़ेगा तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो सिद्धार्थ, बहुत सी बातों को लेकर बहुत सेंसिटिव। कभी बदलना मत, डोंट एवर चेंज। वो मुस्कुराती आंखें जो हंसना सिखा दे हंसी को, जिनकी खामोश खिलखिलाहट चुपके से दिल की तन्हाइयों में आटे भरते खुशी की, वो तुम्हारी आंखें। भाई वाह 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 भाई वाह। यार इस कमबक शायरी में अपना हाथ तंग ना होता ना तो इस गधे को तुमसे शादी कभी ना करने देता। हे, इसको क्या हो गया? हेलो, बेस टू ईगल वन, वापस आ जाओ। वो बाबा बहुत अच्छी थी यार। अच्छा बेटा, कविता तो तूने सुनी नहीं, अब क्या अच्छी थी ये सीधे सीधे बता दे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझ तो हम भी नहीं रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, छुट्टी वाले दिन कहाँ गुल हो जाते हो मेरे खोए खोए चांद। सिद्धू को इश्क हो गया पक्का। क्यों भाई? ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं श्रीनगर में। Well done, brother. This I must see. भाई यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से आई गई, लेकिन ये खूटा तो देखना पड़ेगा जिस पर बंद गया अपना हीरो। तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम यार। क्यों, मामला वन साइडेड है क्या? सिर्फ तुम्हें इश्क है और अभी इतना खुल के बात नहीं हुई है भाभी। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ। तो बता दो, कोई चोरी चकारी तो करते नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे यार उसे पायलट ही नहीं पसंद है। What? चकी वे दोस्त, छोड़ दे। Shut up. कब तक छिपाओगे? बताना तो पड़ेगा ना? वही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसे ये सर्विसेज की लाइफ ही नहीं पसंद है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि देख दोस्त, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर रखी जाती है। अब तुम उसे ज्यादा पसंद हो या तुम्हारा पेशा उसे ज्यादा नापसंद है, ये तो पता करना ही पड़ेगा ना। बाकी सच्चाई जितनी देर से खुले उतनी ज्यादा तकलीफ देती है। तू सिर्फ अपने बारे में से सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला कर। सिद्धार्थ, तुम? फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह एट योर सर्विस मैम। आपका पायलट्स को नापसंद करना जायज़ है या नाजायज़ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा है, झूठ के पांव नहीं होते और मुझे सहारा लेके चलने की आदत नहीं है। अब सवाल ये है कि आप मेरे साथ शिकारे पे चलेंगी या मेरे मुकद्दर में किनारे पे बैठना ही लिखा है। बरकत, रहने दो भाईजान, एक बार आप तसल्ली कर लेते तो। तसल्ली मुझे नहीं, इसे करनी है। गाड़ी बिल्कुल सही है भाईजान, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा अपने गुस्से पर है बरकत। और गाड़ी में गड़बड़ निकली तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, जायज है ना बरकत? जी जी भाईजान।